स्टेटमेंट को हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इसको मुद्दा बनाने की बीजेपी के लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो कुछ पार्टियां हैं जो बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही हैं, अपने हार को देखते हुए कुछ पार्टियां जो हैं वो बीजेपी को मदद और लाभ पहुंचाना चाहती हैं, इसलिए इस तरह के बयानबाजी करवाए जा रहे हैं। ये चेहरा कुछ हो सकता है लेकिन कंटेंट और स्क्रिप्ट जो है वो बीजेपी और आरएसएस का है। सर, पीएम ने अभी स्पीच में कहा है कि पुलवामा को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बिहार इलेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन पुलवामा को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जो ऑपोजिशन पार्टीज पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई यू ब्रिंग दिस क्वेश्चन, दिस थिंग्स नॉट इन आवर एजेंडा राइट नाउ। बिहारियों को काम चाहिए, दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, सिंचाई चाहिए, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार चाहिए। लेट्स फोकस ऑन दिस। देखिए, जन्मदिन की बधाई तो नीतीश जी की थी तब भी हमने दिया था, नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह हों उनको भी हमने शुभकामनाएं दी थी, चिराग जी का है तो हमने भी शुभकामनाएं उनको हम आप लोगों के माध्यम से देना चाहते हैं। तेजस्वी, आपको लगता है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के फेस पे ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं राधर देन खुद के परफॉर्मेंस के द्वारा? अब देखिए, नीतीश कुमार जी को बीजेपी हो या ये लोगों का जो गठबंधन है पूरी तरीके से ये लोग कन्फ्यूज हैं। हम इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि भाई बीजेपी के होर्डिंग में बैनर्स में नीतीश जी का फोटो क्यों नहीं है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये बात सच है कि नीतीश कुमार जी की जो वैचारिक प्रतिबद्धताएँ हैं वो पूरा देश जानता है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरीके से जो है ख़त्म हो चुकी है, और जनता ने इस बार चाहे बीजेपी हो या नीतीश कुमार जी हो, फर्स्ट फेज के बाद एक क्लियर संदेश पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि देश में दिया है कि मुद्दे पे भी चुनाव हो सकता है और बीजेपी और नीतीश जी दोबारा सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं।